इंडिया क्राइम न्यूज़ देख रहे सारे ही दर्शकों का असी स्वागत करते हैं। बीते दिनी कादियां पुलिस के वलों मिति 18 सितंबर नू अहमदिया जमात के जनरल सकत्तर फैजुल्ला रहमान भट्टी के बयान के आधार पर एक व्यक्ति विरुद्ध मामला दर्ज किया गया सी, जो कि व्यक्ति जनरल सकत्तर अहमदिया जमात नू व्हाट्सएप ते यूट्यूब ते 1.5 साल पहला वीडियो बना के उसनों बदनाम करने की कोशिश करता सी, जिस दे विरुद्ध कादियां पुलिस वालों मुकदमा दर्ज किया गया सी। आज उसनों गिरफ्तार कर लिया गया। आओ असी गलबात करते हैं पुलिस अधिकारियों नाल की मामला दर्ज किया ते की उन्हां वालों अगली कार्रवाई की जा रही है। देखते रहो इंडिया क्राइम न्यूज़ कादियां तो पत्रकार गुरप्रीत सिंह दे नाल राजबीर कौर की खास रिपोर्ट। हाँ जी सर, एक अहमदिया जमात के जनरल सकत्तर ही भट्टी साहब से उन्होंने व्हाट्सएप से सोशल मीडिया से धमकियां देने वाला एक नौजवान तुम गिरफ़्तार किया, तो कि मुकदमा दर्ज होते हुए जी? हाँ जी, एक कंप्लेंट फजूल रहमान भट्टी पुत्र श्री मुहम्मद अहमदिया महला कादियों वालों थाने मसूल हुई है कि उन्हों की जमात में रसीद अहमद सलेजा जो काम करता सी, जिसका रिकॉर्ड ठीक ना होने करके जमात विचों कढ दिता गया। अहमद सलेजा ने उन्होंने व्हाट्सएप यूट्यूब से धमकियां देनिया शुरू करती, उसके खिलाफ मुकदमा नंबर 117 मिति 18/9/20 अंडर सैक्शन 153/506 IPC दर्ज रजिस्टर करके अहमद सलेजा नू गिरफ्तार कर लिया गया। तफ्तीश जारी है। इंडिया क्राइम न्यूज़, जुल्म के खिलाफ।